पक्षीराज, मैं कई वर्षों तक अयोध्या में रहा, जन्म भी अयोध्या में हुआ था, बड़ा हुआ। एक बार वहां अयोध्या में अकाल पड़ गया, तब मैं विपत्ति का मारा भटकने लगा, दीन मलिन उदास, पास में अब कुछ नहीं रह गया, दुखी। तो मैं उज्जैन पहुंचा, उज्जैन में भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन्याम महाकाल, महाकालेश्वर भगवान वहां विराजमान, महाकाल शंकर जी, वहां भगवान शंकर की आराधना की। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है परमार्थ का, तब अंदर से वृत्ति आई कि गुरु का वरण करो। ये आराधना अभी तक जो ही, उसका फल क्या हुआ, अंदर से प्रेरणा हुई कि सदगुरु का वरण करो। अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बिना सदगुरु के चाहे शिव विरंच सम हुई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। एक वहां ब्राह्मण भगवान के महान भक्त आते जाते रहते भगवान शंकर जी के मंदिर में, उनको देखता कि वो शिव आराधना कर रहे हैं, फिर देखा कि वो परम साधु, बड़े सरल चित और शास्त्रों के ज्ञाता, भगवान शंकर के उपासक और हरि के प्रेमी। कभी वो हरि की अवहेलना नहीं करते थे। मुझे लगा कि इनको गुरु बना लेना चाहिए, कोई आंतरिक श्रद्धा से नहीं, पर हां इनसे मंत्र मिल जाए बस इसलिए। मैं उनकी सेवा करता पर श्रद्धा नहीं, कपटपूर्वक, कपट बस मंत्र मिल जाए अब दूरी हट जाऊंगा। कोई मेरे परब्रह्म है, मेरे गुरुदेव है, मेरे प्राण प्रीतम, ऐसा नहीं, बस वो रीझ जाए और मंत्र दे दें मैं भाग लूं, क्योंकि मंत्र ले लेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और वो तो बड़े दयालु, बड़े सरल चित, शास्त्रज्ञ और बाहिज नम्र, बाहर से मैं पूरी उनकी अधीनता दिखाता, नम्रता, बार बार प्रणाम नमस्कार, वो मुझे बहुत प्यार करने लगे, सरल चित मुझे पुत्र की भांति दुलार करने लगे। और उन्होंने कृपा करके मुझे भगवान शिव का मंत्र प्रदान किया और बहुत दुलार करके उपदेश किया परमार्थ में, ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। अब मैं भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के गुरु प्रदत्त मंत्र जपता, पर गुरु से कपट होने के कारण हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ने लगा। मैं खलमल संकुलमति नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरों, करों विष्णु कर द्रोह। स्वयं अपनी स्मृति से पूर्व की जन्म की बात कह रहे कि गुरु जी ने समझाया हमको कि हरि हर में कोई भेद नहीं है, ये भगवान की लीला कर रहे हैं, एक ही है। दुष्ट बुद्धि का, नीच स्वभाव का, मलिन बुद्धि वाला जहां किसी वैष्णव को देखता उसकी अवहेलना, अपमान, निंदा करना स्वभाव बन गया था, और भगवान श्री हरि की अगर कोई बड़ाई कर दे तो मेरा हृदय जल जाता था, मैं द्रोह करता, पर भगवान शंकर से बहुत प्यार करता। कागुशी गुरु जी मेरे आचरण देखकर बहुत दुखी होते, क्लेशित हो जाते, फिर बैठालते मुझे, समझाते, देखो तुम समझ नहीं रहे, तुम अपना अमंगल कर रहे हो। गुरुदेव पास बैठा, सुनो बेटे, ये जो तुम वैष्णव जनों का अपमान करते हो, हरि की निंदा करते हो, देवताओं की निंदा करते हो, ये ठीक है, तुम्हारा पतन हो जाएगा। मुझे भली बात समझाते, उल्टे मुझे क्रोध आता। दंभी को सतमार्ग की सच्चाई अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही मेरी स्थिति थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। गुरु नित मुझे दुलार तो करते थे, पर एक दिन बहुत प्यार से बुलाया और बैठाल कर कहा, बेटा तू मेरी बात समझ जा। बहुत दुलार करते हुए कहा कि मैं तुम्हें परमार्थ की सूक्ष्मता का वर्णन कर रहा हूं,
भगवान शंकर की आराधना का फल है कि भगवान श्री हरि के चरणों में अगाध प्रेम प्राप्त हो जाए। जब भगवान शिव किसी पर प्रसन्न होते हैं तो श्यामा श्याम की भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान श्री हरि के जो और भी अवतार हैं, भगवान शिव की कृपा के बिना। जा पर कृपाल करहि पुरारी, शो न पाओ मुनि भगति हमारी। शिव सेवा का ये फल प्रकट होता है कि भगवान श्री हरि के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में जागृत होती है। तात अर्थात बेटा, तुम तो मनुष्य शरीर में हो। भगवान ब्रह्मा जी, बड़े बड़े लोकपाल जिनकी चरण रज पाने की लालसा करते हैं, तुम उन प्रभु से द्रोह करने की बात सोचते हो? अरे अभागे, भगवान शिव जिनके चरण धोन गंगा जी को माथे पे धारण किए हुए हैं, तू उन श्री हरि से द्रोह करता? जब गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा, बस मेरा हृदय जल उठा। जैसे सांप को दूध पिलाए तो जहर ही बन जाता है, ऐसे कपटी और अधम स्वभाव वाले को मूरख हृदय न चेत चाहे गुरु मिले बिरंचिशम। वो अत्यंत दयालु थे, मेरे द्रोह करने पर भी न प्रणाम न नमस रुक जाते। सुनो, ऐसा ठीक नहीं है, आप अपने को संभाल लीजिए, सुधार लीजिए। वो उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते, पर मैं नीच। अब वो बात सोच करके दाह हो रही कि ऐसे कृपालु गुरुदेव से मैं उनकी अवमानना करता, उनका अपमान करता। मैं बहुत अधम नीच अपने गुरु का अपमान करने लगा, और मैं समझता था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और भगवान शंकर हम पर बड़े कृपा कर रहे हैं, क्योंकि मैं केवल उनका पक्ष लेता था, न गुरु न इष्ट, ओ हरि देवता किसी का, बस भगवान शंकर। दुष्ट हृदय कपटी कुटिलता से भरा, पर फिर भी गुरुजी मेरे से प्यार करते। ये बच्चा है, कैसा भी हो अपना ही है, क्योंकि गुरु और इष्ट में भेद नहीं। जैसे कल कह रहे थे, विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चिते तब ऐसे। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, जब वो फिर मुझसे उस स्थिति में भी प्यार भरी बात करते, मेरा हृदय जल जाता। एक बार में भगवान शंकर के मंदिर में बैठा ही गुरु प्रदत्त मंत्र जप रहा था। देखो क्यों मंत्र भी जप चल रहा है, क्योंकि गुरु जी क्रोध नहीं माने, गुरु जी ऋष नहीं माने, इसलिए मंत्र चल रहा है। कितने कृपालु है। मैंने देखा कि गुरु जी आ रहे हैं, ना मैं उठकर खड़ा हुआ ना उनको प्रणाम किया, मंत्र जप रहा। वो देखकर मुस्कुरा दिए, गजब की इनकी, गजब की द्रोह वृत्ति और उनकी गजब की क्षमा वृत्ति, महामहिम। मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, बैठ। सो दयालु नहीं कहु कछु, उर न रोष लवलेस, अति अगु गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु तो मुस्कुरा दिए, लेकिन इष्ट जिनका मंत्र जप कर रहे थे, ये गुरु का अपमान देखकर वो सह नहीं पाए। और महादेव काल के भी महाकाल, वाणी प्रकट हुई उसी मंदिर में, हे अभागी मूर्ख नीच, तेरे गुरु को किंचन मात्र क्रोध नहीं है, पर मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। ये जो अपराध भक्त कर करी, राम रोष पावक सोच रही। जिनका मंत्र जप रहे हैं वही उनको दंड दे रहे हैं। अब देखो, मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी नीच, तेरे गुरुदेव को तेरे पर क्रोध नहीं आया, क्योंकि वो अत्यंत कृपालु चित्त है और उन्हें सम्यक तत्व का बोध है, इसलिए उन्हें क्रोध नहीं आया। पर मूर्ख, मैं तुझे दंड दूंगा, तुझे शाप दूंगा, क्योंकि तूने धर्म का विरोध, नीति का विरोध किया।
गुरुदेव आए, उठ के खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया। अरे दुष्ट, मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख शिष्य गुरु से ईर्ष्या करता है वो करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ता है और वहां से फिर निकालकर तिर्यक योनियों में भेजा जाता है, 10,000 जन्मों तक महान दुख भोगता रहता है। अरे पापी, जिन गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया, तुम्हें उपदेश दिया, तू अजगर की भांति बैठा रहा, उठकर खड़ा होकर सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि महान पाप से ढक गई है, जा तो सर्प योनि को प्राप्त हो, अधम से भी अधम, अधोगति को प्राप्त हो, और ऐसी जगह रह जहां खोड़र, सुने स्थानों में, वृक्ष की खोड़र में भगवान की वाणी सुनकर गुरुदेव तो कांप गए। गुरुदेव ने त्राहिमाम रक्षमाम, प्रभु नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं, अब तो मेरे होश उड़ गए, मेरा शरीर कांप रहा है। फिर गुरुदेव करुणा की दृष्टि से मेरी तरफ देखे और उन्होंने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत की और फिर गदगद वाणी से भगवान शिव को रिझाने लगे, गुरुदेव। भगवान शिव प्रसन्न हुए, फिर आकाशवाणी की तरह मंदिर में दिव्य वाणी प्रकाशित हुई, हे ब्रह्म ऋषि, हे द्विज श्रेष्ठ, क्या चाहते हो आप? गुरुदेव ने कहा कि प्रभु, काकभूषण जी गरुण जी को बता रहे कि प्रभु आप प्रसन्न हैं नाथ, ये दिन पर आपकी बड़ी कृपा है, आप अपने चरणों की अखंड भक्ति प्रदान करें मुझे। और प्रभु आपने कहा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो इच्छा यह है कि प्रभु आप अभी क्रोध करके शाप दिया कि सर्प योनि को प्राप्त हो, ऐसे खोड़र में जाके रहे जहां क्लेश ही क्लेश, प्रभु इसका दोष नहीं। देखो कैसा गुरु का हृदय होता है, प्रभु ये आपकी माया के वशीभूत होकर जीव सदैव भूला फिर रहा है, कृपा समुद्र आप इस पर गुस्सा मत कीजिए, कितने कृपालु गुरुदेव है, दिनों पर दया करने वाले। आप पूछे कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो हमारी इच्छा यह है प्रभु कि आप इससे प्रसन्न हो जाए, आप कृपा कर दीजिए नाथ, आपने जो शाप दिया मिटाइए मत, पर जो जन्मते मरते महान दुख होता है इसे दुख ना हो। गजब है, मतलब करुणा की सीमा है, आप स्वामी हो, आपका शाप दिया व्यर्थ ना जाए, पर थोड़े काल में ही ये थोड़े समय के लिए सर्प बने फिर पधार जाए, और जो जन्मने मरने में दुख होता है उसे आप कृपा करो प्रभु। कृपा निधान मेरी प्रबल इच्छा है कि ये जीव जो मेरी शरण में हुआ आपकी आराधना कर कैसा, अब इसका कल्याण निश्चित हो जाना चाहिए। यही बात होती है गुरु के हृदय सच्चे, जो सदगुरुदेव भगवान है, सत्य स्वरूप है, वो यही चाहते हैं आप परम पदवी को प्राप्त हो, इन किन प्रकार इसका कल्याण होना चाहिए। और हाथ जोड़कर प्रणाम किया जिधर से वाणी प्रकट हो रही थी, आवाज आई एव मस्तो, ऐसा ही हो। यद्यपि इसने अक्षम्य अपराध किया है, गुरुद्रोह ये अक्षम्य अपराध है, यद्यपि इसने भयानक अक्षम्य अपराध किया गुरुद्रोह, मैंने इसको दंड देकर पवित्र करना चाहा है। देखो भगवान का भी दुलार, ये जो दंड है ये पवित्रता है, बहुत मलिन हो जाने पर फिर थोड़ी रगड़ लगानी पड़ती कपड़े में, इसको जो दंड दिया है इसे पवित्र होगा, और तुम्हारी कृपा देखकर इस पर अब मैं रीझ गया, तुम इतने कृपालु क्षमाशील, मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे प्रभु हरि प्रिय है। ये 1,000 जन्म सर्प योनि प्राप्त करेगा, 1,000 जन्म, 1,000 बार ये सर्प बनेगा,
हजार बार ये मरेगा, ये तो व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु इसे जो जन्मने और मरने का दुख है इसे प्राप्त, जन्मत मरत दुषाह दुख होई, ये स्वल्प नहीं व्यापी है। तुम्हें कृपालु देख करके जाओ, इसको जन्मने मरने का दुख नहीं प्राप्त होगा। कौन्यू जन्म मिटी नहीं ज्ञाना, और आप कृपालु हो इसलिए इसकी स्मृति अबाद कर देता हूं, इसके हृदय में याददाश्त रहेगी, आपकी कृपा की, हमारे भजन की याद स्मृति रहेगी, किसी भी जन्म में इसकी स्मृति माया बाधित नहीं कर पाएगी। देखो तो रघुनाथ जी की पूरी अवध में इसका जन्म हुआ, फिर मन मेरे में लगाया, पुरी के प्रभाव से, आपकी कृपा से, मेरी आराधना से अब इसके हृदय में विशुद्ध हरि भक्ति प्रकट होगी। भगवान शिव ने कहा, गुरु कृपा से, अवध में जन्म लेने के प्रभाव से, मेरी आराधना से इसके हृदय में विशुद्ध हरि भक्ति प्रकट होगी, मेरा वचन सत्य होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, हमारे प्रभु को प्रसन्न करने का एक मैं उपाय तुम्हें बताता हूं। भगवान शिव कह रहे हैं, सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई, अब जन करही विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। जो ब्रह्म ऋषियों की सेवा करता है, भक्तों की आराधना करता है, वो हरितोषण व्रत है। सबसे बड़ा व्रत हरितोषण, हरि प्रसन्न हो जाते हैं। क्या व्रत? भगवान के भक्तों की आराधना। जो ब्रह्म ऋषि जन है इनकी अपराध कभी न बनने पावे। काकभूषण जी, अब जनि करहि विप्र अपमाना, हे सावधान, कभी जीवन में अब भक्त अपराध न बनने पावे, किसी ब्रह्म ऋषि का अपमान न करना। जानते हो ये संत अनंत भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, साक्षात भगवान ही इनके हृदय में स्फुरित है। इंद्र का वज्र, मेरा भयानक त्रिशूल और काल का दंड और हरि का सुदर्शन चक्र अमोघ है, एक बार जिस पर प्रहार हो गया व्यर्थ नहीं जाएगा, लक्ष्य को वेध करके ही आएगा। इंद्र का वज्र, भगवान का त्रिशूल, काल का दंड और हरि का सुदर्शन चक्र, पर कह रहे इनका भी मारा जो ना मरे, वो भक्त द्रोह से, गुरु द्रोह से, ब्रह्म ऋषियों के द्रोह से वो भस्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। मेरा एक आशीर्वाद तुम्हारे पास सदैव रहेगा, गुरु प्रसन्नता देखकर कि तुम्हारी अबाध गति होगी, आज से तुम जहां भी जाना चाहोगे बेरोक टोक चले जाओगे, तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं। जहां जाना, जिस सभा में, ब्रह्म सभा में, वरुण सभा में, जिस सभा में जाना चाहो, जिस लोक में जाना चाहो, चले जाओगे। भगवान शंकर के वचन सुनकर गुरुदेव पुलकित हो गए ये, और गुरुदेव ने भी कहा ऐसा ही हो। बस उसी समय मेरा हृदय दाह से, अरे ऐसे गुरुदेव से द्रोह, उनके चरणों में लौट गया। गुरुदेव ने हृदय से लगाया दुलार किया, कहा जाओ, भगवान शिव की कृपा हो गई, अब तुम्हें माया नहीं व्यापेगी, निरंतर जो मंत्र दिया है भजन परायण रहो, गुरुदेव के चरणों को हृदय में रख करके अपने, अब भाव जो बदला, गुरुदेव के चरणों को अपने हृदय में रखकर घर आया, काल की प्रेरणा हुई, मेरा शरीर छूटा और मैं विंध्याचल में जाकर के सर्प योनि को प्राप्त हुआ, पर गुरुदेव की कृपा से बार बार सर्प शरीर मिलता और छूट जाता, कुछ ही काल 1000 बार जन्म लेना था,
बिना कोई कष्ट के, बिना किसी श्रम के हमारा जन्म होता और शरीर छूट जाता सर्पयोन में। हे हरि के वाहन गरुण जी, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है, नया पहन लेता है, ऐसे मुझे लगता है योनि त्यागने में बार बार। भगवान शिव जी ने वेद की मर्यादा रखी, मुझे क्लेश भी नहीं हो पाया पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए और उनको छोड़ा, पर शिव कृपा से मुझे ज्ञान है। पशु पक्षी देवता मनुष्य क्रम से न जाने कितने शरीर मुझे मिले, 1000 बार तो सर्पियों नहीं, फिर कितने शरीर मिले। उन शरीरों में मैं रहता पर मेरी स्मृति अबाध रहती, इसलिए किसी शरीर से राग नहीं हुआ कि कितने छोड़ चुके हैं, ये भी छूट जाएगा। अपने लोगों को लगता पहली बार आया हूं इस शरीर में, इसीलिए इससे ममता हो गई। कागुशुन्य जी कहते मैं इसलिए शरीर से राग नहीं रखता, ये छूटना है, ये छूटना है। इस प्रकार ये शरीर छूटते गए पर मेरे हृदय में एक शूल बना रहता, एक दुख रहता। जब मैं भजन करता तो मेरा हृदय धिक्कारने लगता कि अरे गुरु द्रोही, तूने इतने कृपालु गुरु को कैसे भाव से देखा। एक शूल मुहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। ऐसे करुणा में गुरुदेव, जिसके कारण मुझे अबाध स्मृति प्राप्त हुई, भगवान शिव की कृपा मिली, हरि की भक्ति मिली, और मैं नीच उनका विरोध करता, उनके विपरीत चलता। गुरु की दयालुता और अपनी नीचता का स्मरण मुझे हर योनि में रहता, शूल की तरह मुझे चुभता। फिर मेरा अंतिम शरीर जो हुआ वो ब्राह्मण का हुआ। वेद पुराण देवता भी ऐसे शरीर को दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में जब जन्मा तो बालकों के साथ भगवान की बाल लीलाओं का गान करके खेलता। जब शयाना हुआ तो मुझे पिता पढ़ाने लगे, पर मैं विचार करता किस पढ़ाई से क्या होगा, मुझे तो भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मुझे उस सत्य वस्तु को प्राप्त करना है। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हारे, पिता पढ़ाई पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ा। कुछ समय बाद पिता काल के वश होकर पधार गए, भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान का आश्रय लेकर चल पड़ा अकेला। जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम देखता, वहां वहां जाकर के उन ऋषियों को प्रणाम करता, सिर नवाता। हे गरुण जी, उन महापुरुषों से भगवान की चर्चा के विषय में प्रश्न करता, वो कहते मुझे परम आनंद मिलता। हरि का स्मरण करता, उनके गुणानुवाद करता हुआ मैं जहां चाहता वहां चला जाता, भगवान शिव का आशीर्वाद था। अब मैं ब्रह्म ऋषियों के दर्शन किए, जब उनसे पूछता कि कैसे श्री राम जी का साक्षात दर्शन पाऊं, वो कहते ईश्वर सर्वभूतमय है, कोई कहता निर्गुण है, कोई कुछ, अलग अलग महापुरुषों के मत होते हैं। मुझे सब अच्छा नहीं लगता, मुझे बस एक ही बात लगती कि मुझे कैसे राम जी के दर्शन होंगे, कैसे साक्षात करूं, उनके चरणों में माथा रख करके उनके गले से लगूं, वो दुलार करें, ये बताओ हमें। सुमेरु पर्वत के शिखर पर सुना कि ब्रह्म ऋषि जन बहुत बड़े बड़े महापुरुष, सुमेरु पर्वत वही जो 4 लाख योजन स्वर्ण का, वहां गया तो एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक महामुनि को बैठे देखा, जिनका नाम लोमश मुनि था। जाकर साष्टांग प्रणाम किया और दीन वचन विनय सुनाई। हे गरुण जी, मेरी विनम्रता देख करके बड़े कृपालु हुए और मुझसे पूछने लगे कि तुम किस कार्य से यहां आए हो, यहां आना तो बड़ा कठिन है, तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो बोलो तुम्हारे किस कार्य की सिद्धि करें। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहो भगवान। तब मैंने कहा हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं,
बड़े सुजान हैं, आप भगवान मुझे सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हो ये आप बता दीजिए, कैसे मैं राम जी से मिलूं, कैसे राम जी को देख पाऊं। वो मुनि ब्रह्म स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे, वो थोड़ी चर्चा करके फिर जो जहां होता है वहीं पहुंच जाएगा। फिर वो ब्रह्म की प्रतिष्ठा की बात करने लगते, ब्रह्म चर्चा तत्व अनुभव की बात, जहां वो अजन्मा अद्वैत निर्गुण अंतर्यामी ऐसा सब। फिर मुझे लगता नहीं, मुझे श्री राम जी के दर्शन कैसे होंगे, वो मानो इंद्रियों से परे है, निर्मल है, विनाश रहित है, निर्विकार सीमा रहित सुख राशि वेद ऐसा कहते हैं, तुम वही तत्व हो, जल जल की तरंग की भांत तुम में और प्रभु में कोई भेद नहीं है। फिर मैं हाथ, मुझे राम जी के दर्शन कैसे। और वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, मुनीश्वर मेरी बात समझो, मुझे राम जी के दर्शन कैसे हो। मैं विकल हो रहा था, मुनीश्वर फिर जहां वर्णन करते तो फिर वहीं पहुंच जाते, जिसकी जो स्थिति है वहीं पहुंच जाएगा, थोड़ी देर बोलते बोलते वो अपने आप वहीं पहुंच जाएगा जहां स्थिति है। मुझे नेत्र भर कर प्रभु को, अब वो फिर शुरू कर दे, फिर मैं टोक देता, जहां वो शुरू करते मैं बार बार प्रभु नहीं, मुझे अब बार बार मैं उनकी बात काट देता तो एकदम क्रोधित हो गए। बारंबार शकोप मुनि करें निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान। कि क्रोध की द्वैत बिनु, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन जड़ जीव की इस समान। मैं बार बार चिंतन करता कि मुनि को क्रोध आ गया, क्रोध तो तब होता है जब द्वैत हो, दूसरा हो, अगर द्वैत है तो अज्ञान भी है, क्या जीव इसके समान हो सकता है। मैं ऐसा सोचता, क्या सबका हित चाहने वाले को कभी दुख हो सकता है, क्या जिसके पास पारसमणि हो दरिद्र हो सकता है, क्या दूसरे से द्रोह करने वाला कभी निर्भय हो सकता है, क्या कामी पुरुष कभी शुभगति प्राप्त कर सकता है, कलंक रहित रह सकता है, क्या भक्तों का बुरा सोचने वाला चाहने वाला, ब्रह्म ऋषियों का द्रोह करने वाला, क्या उसका वंश कुल परंपरा सुरक्षित रह सकती है, क्या आत्मज्ञान होने पर कोई कर्म और कर्म फल रहता है, क्या दुष्टों के संग से सुंदर बुद्धि बची रहती है, क्या परिस्त्री गामी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, क्या परमात्मा को जान लेने पर भी जन्म मरण का चक्र बना रहता है, क्या भगवान और भक्ति की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है, क्या बिना नीति का रहस्य जानने वाला कोई राजा उत्तम हो सकता है, क्या हरि का चरित्र वर्णन और श्रवण करने से पाप रह सकते हैं, क्या बिना पुण्य के पवित्र यश हो सकता है, क्या बिना पाप के अपयश हो सकता है, जिसकी महिमा वेद संत पुराण गाते हैं, क्या हरि भक्ति के समान कोई लाभ हो सकता है। मैं ऐसा विचार कर रहा था, बड़ी युक्तियां मन में सोच रहा था, और महर्षि क्रोध के आवेश में हो गए। एकदम क्रोध आ गया लोमश जी को, कहा अरे मूढ़, तुझे सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा हूं विशुद्ध ज्ञान की, तू एक भी बात नहीं सुन रहा, बार बार उत्तर प्रत्युत्तर करता चला जा रहा है, तुझे मेरे वचन पर विश्वास नहीं, कौवे की भांति बस बात काटता चला जा रहा है। अरे मूर्ख, तुझे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, बार बार कौवे की तरह मेरी बात काट रहा है, जा चांडाल पक्षी हो जा, कौवा हो जा। देखो ये भगवान की भक्ति का प्रभाव। मैंने साष्टांग मुनि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि आपका कृपा प्रसाद,
नाराज नहीं हुए काम सुनिए, मनुष्य शरीर में है साष्टांग दंडोत्कार, आपका कृपा प्रसाद, ये सामर्थ्य केवल भगवान के भक्तों में होती है। बस मेरे हृदय में न कोई दीनता है, न कोई भय है, न कोई शोक है, ये भगवान की भक्ति से होता है, ये भगवान के भक्त में होता है। जे ही प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा स्वीकार है, उसी समय मेरा शरीर कौए का हो गया, क्योंकि महान तप के निधि ऋषि। फिर मैं कौए के शरीर से बार बार उनको प्रणाम किया ऋषि को, और अपने प्रभु श्री राम का चिंतन करते हुए आनंद पूर्वक चल पड़ा। कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं कि मुनि ने शाप दे दिया है, वापस आ जाओ। काकभूषण जी को बुलाया, सामने फिर आकर उनके प्रणाम किया। उन्होंने देखा धैर्य, अक्रोध, बिल्कुल क्रोध नहीं, महान विनय, पूर्ण विश्वास। मुनि बार बार कहते हैं कि ऐसे महान हृदय को शाप नहीं देना चाहिए। मैंने ये दुखद कार्य किया, तुम बहुत धैर्यवान हो, भगवान के अनन्य भक्त हो, ये बड़ा दुखमय कार्य हो गया कि मैंने आपको काक शरीर दिया, पर आओ तुम चाहते हो ना कि राम जी का दर्शन करें, ये मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, बस इसका रटन अंदर चिंतन करना, देख लेना तुम भगवान और भगवान का समस्त वैभव, प्रेम वैभव कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुनि ने मुझे भगवान के ध्यान करने की पद्धति बताई, भगवान का एकांतिक गूढ़ मंत्र दिया, जीव ही मंत्र दिया और ध्यान पद्धति, मेरा ध्यान लग गया सामने वही राम। देखो लीला देखो, अपनी निष्ठा में बस रहो तो सब कुछ मिल जाएगा। वो ध्यान कभी नहीं छूटा जो ऋषि ने बताया। ये देखो महापुरुषों का प्रभाव, जैसे तत्काल काक बन गए, ऐसे ही मंत्र और ध्यान का प्रभाव, जिस दिन ध्यान बताया, मंत्र बताया, तब से लेके अभी तक काकभूषण जी गरुण जी से कहे वो रूप समा गया। मुनि ने बहुत प्यार करके मुझे काफी समय तक अपने पास रखा। फिर उन्होंने जो मैंने तुम्हें चरित्र सुनाया रामचरित, ये उन्होंने पूरा हमें सुनाया। आदर पूर्वक कथा सुन करके मैं प्रेम में भर गया, जो चाहते थे ना भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार राम जी का, संपूर्ण ऋषि ने प्रदान किया। और कहा हे तात, ये जो मैंने तुम्हें भगवान का पावन चरित्र सुनाया है, सीधे भगवान शंकर ने हमें सुनाया था, वो मैं आपको सुनाया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान का इतना प्रेमी महाभागवत मुझे मिला। लोमस कह रहे तुम भगवान के निज जन हो गए हो। मैं विस्तार के साथ भगवान के पावन चरित्र को सुनाया। तात, कभी भी तुम्हारे हृदय से भगवान की ये प्रेम लक्षणा भक्ति बाधित नहीं होगी माया के द्वारा। मुनीश्वर ने बार बार मेरे सर पर कर कमल स्पर्श करते हुए फिराया, आशीर्वाद दिया। बस उस दिन से मैं निहाल, मेरे हृदय में प्रगाढ़ राम भक्ति। बहुत सुंदर, सदा राम प्रिय हो तुम। काक जी के ऊपर हाथ फिराते हुए लोमस जी ने कहा, इसीलिए मुनिन का क्रोध हो मुक्तिदाता। उत्तर प्रति उत्तर दे रहे थे तो क्रोध आ गया, शाप दे दिया, जा काक हो जा। और वही विनम्रता, वही दैन्यता, वही भाव निहाल कर दिया। काकभूषण जी कह सकते थे कि भगवान मैंने कौन सा अपराध किया, आपने क्यों ऐसा शाप दे दिया, कुछ तो बोल। कुछ नहीं, बार बार प्रणाम, चल लौटाओ। वही धैर्य, वही विनय, फिर कोई रोष नहीं, निहाल कर दिया, हाथ फिराते हुए क्या है? सदा
प्रिय हो हूं तुम, ये बहुत बड़ी बात है। ये मिल जाए जीवन कृतार्थ हो जाओ, तुम्हें प्रिया जी बहुत प्यार करे, बस इससे बड़ा कोई सुख नहीं। इससे हमारे आराध्य देव जितने भी भगवान को रिझाने वाले गुण हैं उनके तुम धाम हो जाओ, सारे सदगुण तुम में प्रकट हो जाए, कभी तुम्हारे हृदय में मान जागृत न हो, कोई भी इच्छा तुम्हारे हृदय में न रह जाए, तुम जो रूप चाहोगे वो रूप धारण कर लोगे, जो रूप इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तुम चाहोगे तभी शरीर छूटेगा, बिना इच्छा के मृत्यु भी स्पर्श नहीं करेगी तुम्हारा। जाओ तुम्हारे अंदर विशुद्ध ज्ञान, दृढ़ वैराग्य, भगवत प्रेम सब प्रकाशित हो जाए। तो लूमस जी ने भंडार खोल दिया और जहां तुम वास करोगे एक योजन तक माया का प्रभाव नहीं जाएगा, प्रवेश नहीं करेगा। चार कोश जहां कागभूषुंड जी वास करेंगे, चार कोश आसपास माया फटकेगी नहीं। जेहि आश्रम तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत व्यापहि तहन अविद्या जो जनेक प्रजंत। एक योजन तक माया प्रवेश नहीं करेगी जिस आश्रम में तुम रहोगे। और सुनो, देखो भंडार खोल दे, जहां तुम रहोगे माया एक योजन तक चार कोस तक आसपास प्रवेश नहीं करेगी। भगवान सदैव तुम्हें प्यार करें, भगवान को प्रसन्न करने वाले सारे सदगुण तुम में प्रकट हो जाएं, कभी मान की इच्छा तुम्हारे हृदय में ना जागृत हो, तुम जो चाहो वो रूप धारण कर लो, जब चाहो तब शरीर छोड़ दो, अगर ना चाहो तो मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। विशुद्ध ज्ञान वैराग्य के तुम भंडार हो, भगवत प्रेम प्रतिक्षण तुम्हारे हृदय में बढ़े, जहां तुम रहो वहां चार कोस तक माया प्रवेश न करे। और कह रहे काल कर्म गुण दोष सुभाऊ कछु दुख तुम्हें ही ना व्यापी ही काऊ। आज के बाद कभी काल तुम्हें कष्ट नहीं दे पाएगा, कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा, कोई भी दोष कोई भी स्वभाव ऐसा तुम्हारे हृदय में उत्पन्न ही नहीं होगा कि तुमको दुख हो। जितने भी भगवान के चरित्र हैं जब जो तुम जानना चाहोगे तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे श्री अग्रदेवाचार्य जी ने पूज्य श्री नाभाजी को आशीर्वाद दिया, जाओ जिस भक्त का चरित्र चाहोगे वो स्वयं आकर के हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, स्वयं भक्त अपनी महिमा बता जाएगा। ऐसे ही लोमस जी आशीर्वाद, भगवान के जिस चरित्र को जानना चाहोगे वो स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, कोई भी शास्त्र इतिहास पुराण तुम्हारे सामने गुप्त नहीं रहेगा, बिना पढ़े जो चाहोगे वो सब सामने आ जाएगा। क्या झड़ी लगा दी आनंद। और बहुत महिमा की बात, बिनु श्रम तुम जानव सबसो नित नव नेह राम पद हो। रोज भगवान के चरणों में नया नया प्रेम बढ़ता जाएगा। हे धीर बुद्धि गरुण जी, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर जो जितने तुमने आशीर्वाद दिए एव मस्तु ऐसा ही हो, क्योंकि ये मेरा भगत है मन वचन और कर्म से। क्या मिला, ये जो मिला सब अमोघ मिला। इसलिए कह नाम जप करो, भगवान के आश्रित हो, इतने कृपालु है, इतने कृपालु, निहाल हो जाओगे, बस लगे रहो। देखो कैसी परिस्थिति आई, पीछे से देखो इनके अपना चरित्र बता रहे कागभूषण, कैसी मन की मलिनता थी, कैसा द्रोह था, लेकिन लगे ना भजन में, सब मिटा। भगवान शंकर ने भी श्राप दे दिया, वो भी मिटा। लोमस जी की प्राप्ति, उन्होंने भी श्राप दिया, वो भी मिटा। और अब जो प्राप्त हुआ ये अमोघ अमोघ, इतना सब कुछ प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है।
आकाशवाणी सुनते ही मेरे हृदय में परमानंद की बाढ़ आ गई, प्रेम मगन हो गया। मुनि की विनती की आज्ञा पाकर चरण कमलों में बार बार नमस्कार करके मैं इसी नीलगिरी पर्वत पर आया और यहां आश्रम में मुनि का प्रताप, भगवान की कृपा से दुर्लभ प्रेम और बड़े बड़े भगवत स्वरूप, यहां सब पक्षी आते हैं। मुझे 27 कल्प बीत गए यहां रहते हैं, 27 कल्प। न उस पर्वत का विनाश हुआ है और न का शरीर का, 27 कल्प। कितना यहां निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए, बस भगवान का नाम जपता रहता हूं और उनके लीला चरित्र गान करता है। यह है जीवन, परम सिद्धों का भी यही जीवन है और सबसे बड़ी साधना भी यही है। निरंतर नाम जप करते रहो, भगवान की चर्चा सुनो, भगवान का यश गाओ। और जब जब जिस कल्प में भगवान का अवतार होता है, यहीं से जाता हूं अवधपुरी में भगवान के दर्शन करता हूं, फिर यहीं आ जाता हूं। प्रभु की कृपा से उनकी लीला सुख में निरंतर डूबा रहता हूं। तो आपने पूछा था कौवे की देह क्यों पाई और क्यों नहीं छोड़ा, तो ये देह मुझे ऐसे मिली और इसलिए नहीं छोड़ता कि इस कौवे की देह में ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। अगाध भक्ति, माया रहित, भगवत सदगुण। इसलिए जिस शरीर से भगवत प्रेम मिला उस शरीर में मुझे आस्था है, इसलिए मैं इस कौवे के शरीर को नहीं त्यागता। भगवान की भक्ति सबसे बड़ी महामहिमामयी है। ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायऊं गए सकल संदेह। इस काक शरीर से मुझे भगवत साक्षात्कार हुआ, इस काक शरीर से मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं छोड़ता। अब कोई संदेह नहीं, निरंतर भगवत प्रेम में मगन रहता हूं। अपने लोग भी ऐसा प्रपंच की बातों को दूर करके हम जैसे भी हैं, हमारा निस्तार हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा है इसे बंद करो, यही तुम्हारे परमार्थ की सबसे बड़ी बाधा है। हम कामी हैं, हम नीच हैं, अधम हैं, तो हमारे अंदर एक दैन्यता है कि कहां मैं तुच्छ अधम नीच हूं। भगवान आप पतित पावन हो, हमारा आपका तो संबंध है ही। अगर मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हो, मैं अधम हूं तो आप अधर्म उदाहरण हो, मैं दीन हूं तो आप दीन बंधु हो। नाथ तो हिमो ही नाते अनेक, मानिए जो भाई, हमारा आपका तो संबंध है ही, हमारा काम बन जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि आप दूसरे पे अंगुली उठाएंगे तो आपका रजिस्टर जांच लिया जाएगा, फिर फेल हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना है, पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, बिल्कुल इससे बचिए, सावधान हो जाइए। जैसे भी हो भगवत आश्रित होकर नाम जप कीजिए, लीला सुनिए, लीला गाइए, यही भगवान की प्राप्ति करा देगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।